हमारी आज की कहानी है बूढ़े पति की इच्छाएं। मेरी लिखी कहानियां रोज सुनने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियां स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। दशोरा जी लगभग 65 साल के थे और सोच विचार से बहुत मॉडर्न थे। उनका खुद का लंबा चौड़ा कारोबार था, पैसों की कोई कमी नहीं थी। शहर के जाने माने लोगों में उनकी गिनती होती थी। यूं तो दशोरा जी की पत्नी अनुपमा जी भी बहुत मॉडर्न थी, पर वो दिखने में दशोरा जी से बड़ी लगती थी और वजन में भी काफ़ी मोटी थी। दशोरा जी के दो बेटे भी थे जिनकी शादियां हो चुकी थी और दोनों के बच्चे भी हो गए थे। सभी बेटे बहू एक साथ एक ही घर में रहते थे। आए दिन घर में कोई ना कोई पार्टी या सेलिब्रेशन चलता ही रहता था। ऊपर से दिखने में सब कुछ बहुत खुशहाल लगता था, लेकिन अनुपमा जी और दशोरा जी के रिश्ते की एक ऐसी बात थी, एक ऐसा राज था जो किसी को भी नहीं पता था। दरअसल दशोरा जी बहुत ही रंगीन किस्म के आदमी थे। यूं तो उनकी पूरे शहर और परिवार में बहुत इज्जत थी और सभी उनको बहुत मानते भी थे, लेकिन उनके रंगीले स्वभाव से कोई भी परिचित नहीं था सिवाय उनकी पत्नी अनुपमा जी के। सभी लोगों को यही लगता था कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और दोनों में बहुत अच्छी पड़ती है, पर असलियत ये थी कि दशोरा जी को अपनी पत्नी की चिंता और परवाह ज़रूर थी, लेकिन एक बात थी जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी और वो था अनुपमा जी का वज़न। दशोरा जी को हमेशा से पतली दुबली लड़कियाँ बहुत रिझाती थी। उन्होंने कई बार अनुपमा जी से वज़न कम करने को कहा और अनुपमा जी ने भी वज़न कम करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकाम रही। दशोरा जी के पास पैसों की तो कोई कमी थी नहीं और विदेश में आना जाना भी लगा ही रहता था, इसलिए दुबली पतली लड़कियों से दोस्ती करने का अपना ये शौक दशोरा जी विदेश जाकर पूरा करते थे। बिजनेस ट्रिप के नाम से दशोरा जी अक्सर विदेश अकेले ही जाते थे और वहाँ जाकर अलग अलग लड़कियों के साथ रहते थे और अपने सभी शौक पूरे करते थे। दशोरा जी थे 65 के, लेकिन लगते 58 के थे। अपने रंगीन शौक पूरे करने के लिए उन्होंने खुद को बहुत फिट रखा हुआ था। उनके बारे में ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि वो ऐसी भी कोई हरकत कर सकते थे। अनुपमा जी भी जानती थी कि जवानी में तो दशोरा जी बहुत रंगीन थे, लेकिन उन्हें भी ये लगता था कि अब तो बुढ़ापा आ चुका है, बूढ़े पति के अब क्या शौक होंगे, अब तो दशोरा जी सुधर गए होंगे। लेकिन उनकी सोच के विपरीत दशोरा जी विदेश में खुलकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। सबके सामने वो एक इज्जतदार जिंदगी जीते थे। लोगों के फंक्शन में चीफ गेस्ट बनकर जाते थे। सभी उनको बहुत इज्जत देते थे, इसलिए वो कभी नहीं चाहते थे कि उनकी इस आदत के बारे में किसी को कभी भी पता चले और उनकी इज्जत खराब हो। इस बार भी हमेशा की तरह दशोरा जी ने विदेश जाने का प्लान बना लिया। जब अनुपमा जी ने भी साथ चलने की बात कही तो दशोरा जी ने कहा कि बिजनेस मीटिंग में इतना व्यस्त रहूँगा कि तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाऊँगा और अकेली तुम बोर हो जाओगी, इसलिए मैं ही जाता हूँ। दशोरा जी अकेले ही अपने ट्रिप पर निकल पड़े। बहुत ही चालाकी से वो अपनी अय्याशियों को अंजाम देते थे। कभी भी किसी एक लड़की से ज़्यादा वक्त के लिए दोस्ती नहीं रखते थे ताकि किसी के भी शक के दायरे में ना आए। लेकिन व्यक्ति कितना भी चालाक हो, कहीं ना कहीं गलती कर ही बैठता है और वही गलती इस बार दशोरा जी से भी हो गई। उनकी किस्मत खराब ही थी कि जिस होटल में वो ठहरे थे उसी होटल में अनुपमा जी की एक सहेली अनु भी अपने पति के साथ आई हुई थी, जिस बात का दशोरा जी को कोई अंदाज़ा नहीं था। दशोरा जी तो बिंदास होकर एक बहुत ही कम उम्र की सुंदर सी लड़की के साथ अपने कमरे में चले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अनु ने उन्हें देख लिया था।
एक मिनट के लिए तो अनु को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ और वो तुरंत जाकर होटल के मैनेजर से बात करने लगी। कुछ ही देर में उसे सच पता चल गया कि दशोरा जी तो अक्सर अलग अलग लड़कियों के साथ होटल में आते रहते थे। अब तो अनु से भी रहा नहीं गया और उसने तुरंत अनुपमा जी को फोन करके दशोरा जी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। कुछ देर के लिए तो अनुपमा जी को भी इस बात पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो यही लगा था कि बुढ़ापे में आकर तो दशोरा जी सुधर गए होंगे, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अनु भी उनसे इतना बड़ा झूठ नहीं कहेगी और इस तरह दशोरा जी को बदनाम नहीं करेगी। अनुपमा जी का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो शर्म के मारे जमीन में धस जाएगी। उन्होंने तुरंत दशोरा जी को फोन लगाया। पहले तो दशोरा जी ने कहा कि मैं अभी मीटिंग में बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन जब अनुपमा जी चीखने लगी और कहने लगी कि तुम कौन सी मीटिंग में हो और कहाँ बिजी हो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तब दशोरा जी भी घबरा गए। वो कुछ सफाई देते उससे पहले ही अनुपमा जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम कौन सी होटल के कौन से रूम नंबर में क्या गुलछर्रे उड़ा रहे हो और लड़कियां लेकर घूम रहे हो, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारी कौन सी मीटिंग चल रही है मुझे सब पता चल गया है। बुढ़ापे में आकर भी ऐसी हरकतें करने में तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे लगा था कि बुढ़ापे में तो सुधर जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत बेशर्म निकले। अभी तुम्हारी करतूत तुम्हारे बेटे बहू को बताती हूँ। दशोरा जी तो अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत डर गए, क्योंकि अनुपमा जी ने होटल का नाम और रूम का नंबर सब कुछ एकदम सही बताया था। वो बहुत घबरा गए और सोचने लगे कि अगर ये बात बेटे बहू तक भी आ गई तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। दशोरा जी तो फिर गिड़गिड़ाने लगे और माफ़ी मांगने लगे। मुझे माफ़ कर दो अनुपमा, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूँगा। चाहे तो मुझे गालियाँ दे दो, मुझसे लड़ाई कर लो, लेकिन बेटे बहू को कुछ भी मत बताना, उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अनुपमा जी तो इतने गुस्से में थी कि उनका गुस्सा सुनकर बेटे बहू उनके पास आ गए और उनसे सवाल करने लगे कि आखिर बात क्या है। अपने पति की करतूत जानकर अनुपमा जी इतने गहरे सदमे में थी कि रोते हुए उन्होंने बेटे बहू को सब कुछ सच सच बता दिया। बेटे बहू भी अपने पिता का सच जानकर बहुत आश्चर्यचकित रह गए और यकीन नहीं कर पा रहे थे कि बाहर से इतने शरीफ दिखने वाले उनके पिता ऐसा घिनौना काम करेंगे। जैसे तैसे सभी ने मिलकर अनुपमा जी को सांत्वना दिया और शांत करवाया। अगले ही दिन आनन फानन में दशोरा जी भी घर लौट आए और सभी से माफ़ी मांगने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। बेटे बहू तो ज़्यादा कुछ बोल न सके और उन्होंने दशोरा जी को यही कहा कि पापा, आपसे ऐसे काम की उम्मीद नहीं थी। आपकी इस हरकत ने माँ का बहुत दिल दुखाया है और उन्हें बहुत ठेस पहुँची है। उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। और इतना बोलकर वे लोग वहाँ से चले गए। अनुपमा जी ने दशोरा जी को बहुत खरी खोटी सुनाई और अपनी पूरी भड़ा सुन पर निकाल दी। दशोरा जी भी शर्मसार होकर अपनी पत्नी की हर बात सुनते रहे। जब अनुपमा जी का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तब दशोरा जी ने उनसे वादा किया कि वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे और अब हर विदेश ट्रिप पर अपनी पत्नी को साथ लेकर ही जाएंगे। अनुपमा जी भी जैसे तैसे शांत तो हो गई, लेकिन मन ही मन उन्हें अपने पति की इस हरकत पर बहुत दुख हो रहा था और वो सोच रही थी कि आदमी बूढ़ा भी क्यों ना हो जाए, उसके शौक तो हमेशा जवान ही रहते हैं।